दोस्तों हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल सीटी के तहत होने वाली जो भर्ती है उसको लेकर जो है दोस्तों अभी भी एक बड़ी खबर आई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल की सीटी के तहत होने वाली भर्ती को लेकर अभी भी ये बड़ी खबर आई है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। ये देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस से मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल की भर्तियों के जो नियम हैं उनमें अभी संशोधन नहीं किया गया है, इस कारण ये भर्तियाँ जो है अभी पेंडिंग में हैं। अभी तक इनके लिए कोई नोटिफिकेशन जो है दोस्तों जारी नहीं हुई है। पुलिस की इस भर्ती के लिए जो है योग्य सीटी पास उम्मीदवारों की उम्र जो है निकलती जा रही है, मगर 6 महीने से पहले अगर इस पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाता तो उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य हो जाते, मगर अफसरों को कौन समझाए अब ये उम्र में छूट देने की मांग कह रहे हैं। तो जो आपकी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है दोस्तों 5000 मेल कांस्टेबल 1000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती के लिए अभी तक रूल रेगुलेशन तैयार नहीं हुए हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों हरियाणा में जो भर्ती हैं वो आपकी परिवार पहचान पत्र के कारण जो है रुकावट में हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हों, लेकिन ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसी बीमारी हम इसको कह सकते हैं जो हर भर्ती में रुकावट जो है वो बनी हुई है और जो सीईटी में अभी तक जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक जो हैं उनकी वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी उससे पहले कोई भी भर्ती आपकी पूरी नहीं हो सकती। हालांकि सिंगल बैच के द्वारा भी जो है दोस्तों सीईटी स्कोर को रद्द जो है करार दिया गया है, लेकिन अभी तक एचएससी की ओर से कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया है कि सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक का जो बेनिफिट जिन कैंडिडेट ने लिया है उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट आप जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।